नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो मैं स्टार्ट करी। आज का वीडियो देखो इतना खास नहीं है, ऑनेस्टली बताओ। मैंने खुद ने देखा ना तो मुझे खुद को भी ऐसा लगने लगा कि कितना बोर वीडियो है यार, सीरियसली। बट ठीक है, ओवरऑल मैंने बनाया क्योंकि मुझे लगा यार मैंने मोबाइल में था, बना के रखा था, और ये मैंने दूधी खरीदी थी तो मेरा ठीक है दिखा देती हूँ। दाल दूधी की सब्ज़ी कितने अच्छी तरीके से काटा ना मैंने एक नया ऐप यूज़ किया अभी तो इसके लिए। और क्या बोलते हैं, दाल ही बनाई थी, मुझे कहीं जाना भी था तो टाइम था उसमें। मैं बोला कि ठीक है इससे पहले बना देती हूँ जैसा भी रहेगा बना बना के। और आधा तो इसमें फेंकने में ही गया, पर बोलते नहीं क्या, आखिर अपने इंडियन है ना तो अपने में बचत रहती ही है और थोड़ा बहुत कंजूसीपना आ ही जाता है। इसमें दाल तो मैंने फेंका नहीं था और दाल में दिखा रही थी कि इसको दाल और दूधी बनाने वाली में मैं हरी दाल भी थोड़ी मिक्स कर देती हूँ। अपने जहाँ जानते ही रहेंगे इतने टाइम से देख रहे, तो थोड़ी सी मैं हरी दाल डालती हूँ क्योंकि स्वाद उससे बढ़ जाता है। वो छिलके वाली हरी दाल आती है ना वो डालने का, उससे स्वाद भी बढ़ जाता है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। इसके अंदर ना हल्दी नमक डाल के इसे अच्छे से ये करके, हल्दी नमक डालिएगा डालिएगा और गैस पे चढ़ा दीजिएगा, फिर देखिए फटाफट हो जाता है। फिर आप, मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और मेरी पूजा भी संपन्न हो चुकी। कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ, तो अभी मैं वापस दाल बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने ना कल ना मैगी का वीडियो बना चुकी हूँ तो ये वीडियो तो उसके बाद ही आएगा। हाँ आई नो। मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है, नीचे से ना थोड़ा थोड़ा क्रैक हो गया तो मैंने कल चेक किया उसमें पानी वगैरह डाल के। हाँ, मैं कल वीडियो निकालना बाद में भूल ही गई, बिकॉज रात को ऐसा लगा यार टूट तो नहीं गया यार, क्योंकि ना इतना कंटाला आता है ना, मतलब धीरे 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 धीरे। अभी देखो इसको, मेरे को पाँच मिनट हो गया है, मैं दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गया रखे हुए, तब तक भी उसका पानी नहीं गया नीचे का, वो सूखा नहीं है। और यहाँ पे अपोजिट साइड मैंने ये कढ़ाई रखी थी, वहाँ चटका लग गया। ये कढ़ाई रखी थी मैंने, इसमें मैंने तेल डाला था पर तुरंत गर्म हो गई थी। एल्यूमिनियम है ना, बट मैं मिट्टी के बर्तन में एक्सपीरियंस करना चाहती थी इसके लिए। अभी जब तक मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो। अब इसमें तेल डालूंगी यही वाला, ताकि गर्म है ना तो और जल्दी ये ना हो, धीमी आँच पे बनाना पड़ता है। देखो अगर मैं एक बात बताऊँ, देखो दिख रहा रहेगा तो पता नहीं, ये हल्का सा, एक मिनट, इसका जूम क्लैरिटी अच्छा नहीं है इतना, हल्का सा ना ये साइड में रुको। देखो ये फिंगर रखा है ना मैंने, अगर ध्यान से देखेंगे ना एकदम ध्यान से तो एक हल्का सा क्रैक तो आ चुका है। पता नहीं, बना के देखना ही पड़ेगा, तब तक पता नहीं चलेगा। और कल एक्चुअली साबुन के पानी से नहीं धोने का, मैंने इसको ऐसे ही धोया था, मतलब नया काथा लिया था, सिर्फ प्लास्टिक का काथा, उसी से इसको किया था तो हो गया था क्लीन। पानी से भिगा के रखने का, कोई भी चीज़ रहेगी ना इसको भिगा के रखने का। थोड़ा सा दिल में ऐसा डाउट है, अभी तक सूखा नहीं है ये, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो। मतलब देखो ना, मैं इसमें आराम से ऐसे, देखो मैं इसमें आराम से ऐसे हाथ लगा रही हूँ, नीचे का तलिया हल्का हल्का गर्म हुआ है, बस थोड़ा हल्का हल्का सा चटका लग रहा है, थोड़ा थोड़ा एकदम धीमे 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 गर्म होता है। एक्चुअली पहले बड़ा बर्तन लेने का ही सोचा था, बट मैंने बोला नहीं बड़ा बर्तन नहीं लेते, माइंड में ऐसा है कि नहीं बड़ा बर्तन नहीं लेते, क्योंकि पहले छोटे बर्तन से स्टार्ट करते हैं, छोटा बर्तन को अपने को यूज़ करना आना चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने लास्ट में थोड़ा सा फास्ट रख दिया, कितना स्लो बनता है पता है क्या खाना, बट एक्चुअली हमें ऐसे धीमी आँच पे रख के ही पकाना चाहिए, एकदम तेज आँच पे नहीं, इसका पूरा ये जाता है प्रोटीन वगैरह बोलते। देखो अभी अभी क्रैक ना शायद दिख रही कि नहीं क्या पता, अभी जैसा है जब तक ये लीकेज नहीं होता तब तक मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। और मैंने इसको अच्छे से ये भी किया तो था, सब प्रोसेस जैसा था वैसे मैंने किया। अब एंड ऑफ द डे ऐसा क्या हो रहा है, मुझे लगा पिंपल आ गया है तेरे सा, एंड ऑफ द डे पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। अभी तक इतनी सी बूंद बाकी है पानी की, कोई इतनी सी बूंद है अभी भी, देखो धीरे 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 इतनी सी बूंद का बिना तड़का। सूख गया, मैं तेल तो डाल दिया है, गर्म ही तेल था क्योंकि मैंने यही कढ़ाई से निकाल के इसमें शिफ्ट कर दिया। डर सा लग रहा है, देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी छोटे छोटे बबल्स ना अंदर से आ रहे हैं, वो फूटना मत नहीं, मेरे को फुल फुल ऐसा ऐसा अंदर से ऐसा लग रहा है कि फूटेगा फूटेगा फूटेगा, पता नहीं क्या होगा इसका, डर तो लग रहा है।
क्या अभी दाल बनाऊंगी ये सब, फट करके फूटेगा ना पूरा, ज्यादा बिखर जाएगा, पर रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको ऐसे रख नहीं सकती है। आज नहीं तो कल मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। बस फूटे नहीं, ऐसा क्रैक आया है कि क्या है क्या पता, अभी बहुत सारे बबल्स आ रहे। इसमें ऐसा क्यों होता है ना, ये प्रोसेस मेरे को समझ में, मुझे समझ में नहीं आता कि इतना उबलता क्यों है, मतलब बबल्स क्यों आते हैं इसके अंदर, वो मेरे को समझ में नहीं आता। चलो तेल गर्म है तो मैं जीरा डाल देती हूँ। स्लो प्रोसेस, इतना स्लो प्रोसेस है, मोबाइल में स्टोरेज भी ज़्यादा नहीं है अभी, बट ये अभी तक देखो अभी तक ये प्रोसेस चालू है कि इसमें अभी मैंने लहसुन जीरा डाला था, जीरा ऐसे 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 कर रहा है ऐसे लहसुन लहसुन डाले, चल कुछ तो हो, दोनों साथ में पक जाएंगे। बहुत स्लो है यार, 5 मिनट से ऊपर हो गया इसमें डाल के, और मुझे भूख लगने लगी है, बस टूटे ना, संभाल लेगा तो अच्छा है। लहसुन लाल भी नहीं हुए, ऐसे के ऐसे ही है, कौन सा कलर है भगवान जाने, मतलब तो कोई वाइट ही है देखो ना। और मैंने ये चम्मच भी निकाल लिया है, कल भी निकाला था, मैं बोली नहीं यार मुझे वो आदत है और मुझे वो आदत भी छुड़ानी पड़ेगी क्योंकि जमेगा नहीं। हाँ इस दाल में कैसे बनाते मैं दिखाना ही भूल गई, पहले मैंने जीरा डाला, लहसुन डाला, हरी मिर्ची ले लीजिएगा, कांदा ले लीजिएगा ऐसे, और टमाटर, हाँ, और बाकी हल्दी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर मत डालिएगा, पर अगर आपको हैबिट है डालना तो डाल दीजिएगा, बाकी लाल मिर्ची डालने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, मैं थोड़ा सा ना रिस्क लूँगी अभी, देखते हैं। जिसके पास बहुत वेला टाइम रहेगा ना वो इंसान इधर खड़े रह के कर सकता है, पर ये अच्छा भी रहता है बोलते हैं, ये कुछ प्रोसेसिंग वगैरह मतलब केमिकल वगैरह तो रहता नहीं है इसमें, तो ये अच्छा रहता है बॉडी के लिए। ऐसे भी एल्यूमिनियम में खाने से तो बेटर ही कि हम मिट्टी के बर्तन में खाना खाएं। और देखो अभी हो तो रहा है धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे प्रोसेस है इसमें। अभी मैं हरी मिर्ची डालूंगी और मैं इसका प्रोसेस बताऊंगी नहीं, जैसे जैसे है मैं दिखाती जाऊंगी आपको थोड़ा थोड़ा। मैंने सोचा था कैमरा रख के अच्छे से इसे, वीडियो एक्चुअली इतनी बड़ी हो गई थी ना इसलिए मैंने सोचा जान दे यार वॉइस ओवर दे देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई थी, मैं ही मेरी आवाज़ नहीं झेलती तो आप ही क्यों झेले। बात तो सही है। टमाटर डाल के अच्छा बना था, पर इस मन में डर था कि क्या कुछ हो ना जाए, फट ना जाए, बट ओके था। मुझे कहीं बाहर भी जाना है, काम ही मेरा एक इम्पोर्टेंट, तो फिर काम मेरा इम्पोर्टेंट, तो फिर मैं खाना जल्दी खा लूँगी और हर्ष के लिए भी बना देती हूँ, क्योंकि उसकी नानी आज कुछ बनाने, उनकी तबीयत ठीक नहीं, नानी आने वाली है उसकी, तो उसकी नानी कुछ बनाने वाली नहीं है, इसके लिए मैं खाना दाल चावल ही बस बना के जा रही हूँ, दूधी का दाल वगैरह अच्छा लगता है हर्ष को भी, तो वही बना के जा रही हूँ अभी। ठीक है खाती हूँ, अभी तो चावल हो चुका है, चावल एक साइड में रख दिया था मैंने, और चावल हो चुका है, दाल भी अभी 2-3 मिनट में हो जाएगी, बॉइल्ड हो गया तो हो गया बस ख़त्म, अभी खाने को ही बैठती हूँ। हाँ मैं जाने के लिए रेडी हो गई थी, तो मेरे को मम्मी आ गई है, तो मम्मी ने मुझे जैकेट मैंने मम्मी से छीन लिया है, जैकेट मुझे अच्छा तो लग रहा है, तो कुछ कुछ पता नहीं इसे एकदम मैचिंग हो रहा है, इस पर ये पहन सकते हैं तो ब्लैक पहन सकते हैं, कौन सा पहनना चाहिए पता नहीं, देखना पड़ेगा अभी। क्या था क्या इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करने का है ना बस, नहीं नहीं वो नहीं, दूसरी जगह डाला है क्या दिखा, अच्छा छोड़ नहीं मम्मी बराबर में हाथ डाल, हाथ डालने नहीं आता क्या, हाँ ठीक है ऐसे तो अच्छा फोल्ड अच्छा लग रहा था, फोल्ड सुंदर लगता है, मैं इसके लिए फोल्ड की थी, करो फोल्ड नहीं मैं कर दूंगी, ठीक है कॉफी बनाने का है, मम्मी को भूख लगी बेचारी को, बहुत भूख लगी है, मैं एकदम भूखी मर रही हूँ, नाश्ता नहीं करती, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, नाश्ता किया ही नहीं, भूखी मर रही हूँ, मतलब मम्मी किस लेवल की है भूखी हो, शाम को देना समोसे वाला आता है समोसा ले लेना, नहीं मैं समोसा नहीं खाऊंगी, अरे बहुत अच्छा 10 रुपए का समोसा, नहीं वो सड़े लेते हैं, मैं नहीं खाऊंगी मम्मी ना, ये लेवल पे रहती है, उस दिन खाया था मेरे को अच्छा नहीं लगता, कितना अच्छा समोसा था, गंदे तेल का बना था, कौन से तेल का, वो डालडा पोमिनो तेल, पोमिनो, हाँ पोमिनो तेल बोलते हैं, उसी तेल का बनाता है, कौन खाएगा, अपन खाने वाले सिंह का तेल, राई का तेल और देसी घी के परोठे, कोई देसी घी के परोठे, रोटी पे कौन सा घी लगाते, घी अपन जो नॉर्मल गाय का घी लगाते हैं ना, वही देसी होता है, और क्या होता है, प्यारी समझ गई, वही तो देसी घी होता है, वो भी ज्यादा नहीं खाने का, रानी रानी देसी है, इसका मतलब कटोरी भर भर के नहीं पीने का,
अभी हर्ष आता ही होगा थोड़ी देर में। अभी तो 12 भी नहीं बजे। 12 नहीं बजे, 12:10 तक आ जाएगा, लेकर ही आ जाती ना बच्चे को। तो मेरे को क्या मालूम, मैं चल के आती तो लेके आती। चल के क्यों नहीं आई? मैं बोली तू निकलती है इसके लिए जल्दी जल्दी आई। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैं निकल नहीं थी, मेरा 12:15 बजे तक निकल जाऊंगी मैं, टिकट भी निकल जाएगी। मेरा पूरा लुक ना एकदम अलग ही लग रहा है, मेरा पूरा लुक ना एकदम अलग ही लग रहा है। मम्मी ऐसे दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ ना पूरा। हाँ ऐसे पकड़ो, हाँ ऐसे 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 ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे, हाँ एकदम लग रही है जैसे कि, कैसी लग रही है? एकदम सीरियल की वो होती है बोली बोली वाली लड़की, एकदम संस्कारी लड़की। हाँ, अच्छी कर... लड़की हाँ, जो क्या कर... सबको भला करते पर उसका कोई नहीं करता। अरे अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो ना, ये बात उन्होंने एकदम सही बोली कि जो सबका भला करते और उसका कोई नहीं करता। ऐसे सीरियल ना, ऐसे मैं सीरियल देखती बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे ज़्यादा सीरियल पसंद नहीं। वहाँ पे ग्लास रखा है, उसको देख के मेरे को प्यास लग गई। ये मैंने ऐसे चोटी हुई, मेरे वो टाइम के बाद ऐसे बाल बनाए, वरना मैं बाल बनाती नहीं हूँ। और एक्चुअली ना मेरा बिंदी नहीं ना, तो आई लाइनर का रहता ना, मैं उसे चिपका लेती हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए, मुझे काली बिंदी बहुत पसंद है पर मिलती नहीं है। अभी मिरर में देख रही हूँ, फिर खुद को देख रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा, एकदम मैचिंग हो गया, एक भी ग्रीन ये भी ग्रीन और ये ब्लैक लेगिंग्स। अभी मैंने सोचा अगर कि इतना इतना सब ब्लैक हो ही रहा है तो फिर ये पोनी को क्यों रहने दूँ। ये पोनी का मैंने अंदर वाला येलो पिंक पहना था, फिर मैंने इसके ऊपर से ब्लैक कर दिया। मेरे एक्चुअली बाल थोड़े थोड़े कट किए थे ना, देखो ऐसे पिच विच में से निकले, पर चलता है, कौन ध्यान देता है इतना। चलो अभी हर्षु आने वाला है, हर्षु मेरे को देख के कुछ ना कुछ तो कमेंट करेगा शायद, चलो देखते हैं। दे ही दिया था मैंने दाल चावल बना के, खा भी लिया था मैंने। एक्चुअली मैंने 10:30 बजे खाना खा लिया था क्योंकि मुझे 12:15 बजे तक घर से निकलना था। और अभी मैं एक लास्ट एक कॉफ़ी बना दूंगी, कॉफ़ी बना के तुरंत निकलूंगी। हाँ मम्मी कॉफ़ी पी के तुरंत निकल ही रही हूँ। मम्मी बोल रही भी देर हो रही है, अभी निकलो चलो घर खाली करो। पर एक कॉफ़ी तो बनती है, एक कॉफ़ी तो बनती है, तो एक कॉफ़ी पी के मैं निकल। कितना सुंदर है ना ये, पता है नीचे ना तो मेरा ध्यान भी बहुत कम जाता है कभी कभी, पर हर्ष का ध्यान बहुत जाता है। हर्ष हमेशा बोलते हैं मम्मी क्या प्यारा लग, दे रुको मेरे पास भी साड़ियाँ पड़ी है ना। मैं हॉल में एक पर्दा लगाने का सोच रही हूँ, पर मैं सोच रही हूँ खर्चा ना करते हुए, खर्चा ना करते हुए थोड़े से साड़ी वगैरह देखती हूँ। मेरे पास भी कुछ कुछ साड़ियाँ पड़ी है, उन सब साड़ियों को मिला के कुछ बनता है तो देखती हूँ मैं। वो बड़े टोप में रख दो, आधा हर्ष उतरे को मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे लगा मुझे देख के कुछ अच्छा बोलेगा, बट नहीं मुझे देख के स्वेटर पहना है ना, मेरा अच्छी लग रही है। ओल्ड लग रही हूँ मैं इसको, ओल्ड बुढ़ी खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा, है ना? आज स्वेटर निकाल लो, अच्छी लग रही है। स्वेटर इतना सुंदर है, राधा कृष्ण की मूर्ति। स्टार्ट किया, मैं ना फिंगर जूस बनाया थी, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखी जो मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए मैं हमेशा सारांगे सारांगे करती थी ना, मुझे सारांगे का पूरा मिल गया एकदम ही। अच्छा है ना, इसे थोड़ा साफ करना पड़ेगा, थोड़ा मिट्टी लगी इधर से, देखो मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। ये तो परफेक्ट शेप बन गया है ना, एकदम परफेक्ट सारंगी। मैं फिंगर चीज बना रही हूँ, अभी काटना बाकी है तो इस तरह से काट के रखा है मैंने, और देखो मिल गया। चलो हर्ष फिंगर चीज बनाने के बाद दिखाएंगे। ये हर्ष ने प्लांट उगाया है तो हम लोग अभी इसे काटेंगे और थोड़ा सब्जी वगैरह के साथ में खाएंगे। ये उगना बाकी है तो इसे रहन देंगे, ये और ये और ये पैक साइड का है ना, इसे काट लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मिल गया बनकर। आया है दाल जो कि सीरियसली बहुत टेस्टी बनी है,
और उसके साथ में बनाए फूलगोभी और आलू, जो कि भी बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं इसकी रेसिपी किसी और दिन शेयर करूंगी। ओ, क्या हर्ष खा रहा है खाना? रायता ले, रायता ले, तेरे लिए बनाया। हाँ, कैसा लगा फूलगोभी की सब्जी? तू मालूम था तुझे फूलगोभी नहीं पसंद, इसके लिए दाल बना दी, ऑप्शन था इसके लिए। मेरे बाल कैसे यार, मैंने दिखाने में भी अभी खाने ही बैठी थी। हर्ष ना ज़्यादा फूल वेजिटेबल ज़्यादा नाटक करता है, बट कभी कभी अगर ऑप्शन में रहेगा दाल, जैसे कि दाल मैंने कल ज़्यादा बना ली थी तो उबाल के रख दी मैंने, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और आज मैं अभी खाना हर्ष के लिए दाल का तड़का दे दिया मैंने, और अपने लिए फूलगोभी की सब्जी बनाएगी, जो कि सच में बहुत टेस्टी। मैंने इसमें अलग मसाला यूज़ किया था, और मसाले का नाम किधर गया, किधर गया, किधर गया, मैं दिखाती हूँ आपको बाद में, ठीक है?